टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर टॉर्क कितना अप्लाई करेगा किसी भी डाइपोल के द्वारा। इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां जा रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा गया, एक डायपोल रख देते हैं यहाँ पे जो कि डायपोल की डायरेक्शन को शो कर रहा है इस डायरेक्शन में। इस तरीके से हमारे पास एक डायपोल है, ये हो गया हमारा एक डायपोल। डायपोल से फोर्स जनरेट होगा, यहाँ पे फोर्स कितना होगा अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स क्या होता है, एफ अपॉन क्यू, तो फोर्स निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है, क्यू इंटू ई के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर प्लस चार्ज है प्लस क्यू, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस क्यू ई, यहाँ पे माइनस चार्ज है यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू ई। ये हमारा है डायपोल जहाँ पे अपोजिट चार्ज होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन जो साइन होता है अपोजिट होता है, और एक डिस्टेंस 2a से सेपरेट रहती है। डिस्टेंस कितनी होती है 2a, ये हमारी होगी डिस्टेंस। यहाँ पे फाइंड क्या करना है, टॉर्क, और टॉर्क होता क्या है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो हमने कैलकुलेट कर दिया कितना आ गया क्यू इंटू ई, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्यू इंटू ई मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी इसकी, ये होगी हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 2a साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे रखते हैं परपेंडिकुलर 2a साइन थीटा। तो यहां से अगर हम देखो, हम लोग डायपोल मूवमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते, मीन्स p इक्वल्स क्या होता है q मल्टीप्लाई बाय 2a होता है, ठीक है। तो हम लोग q इंटू 2a को क्या ले सकते हैं p, और ये हो गया हमारा e, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। तो टॉर्क कितना आ गया p e साइन थीटा। साइन थीटा को हटा करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर हम वेक्टर की बात करते हैं हो जाएगा हमारा क्रॉस वेक्टर, तो टॉर्क इक्वल्स क्या हो जाएगा p क्रॉस e लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं, टॉर्क वेक्टर हो जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू p क्रॉस e। ये हो गया हमारा टॉर्क किसी भी डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में।